नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में जो YouTube पर कोई नहीं बताया है। वो चीज़ क्या है कि बिहार पुलिस के परीक्षा में सेटिंग कैसे होता है। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि वो 2 लाख में सेटिंग कराया, 5 लाख में कराया, आखिर सेटिंग होता कैसे है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। 3 तरह से सेटिंग होता है, तीनों तरह का खोल के ऑपरेशन करने वाले हैं कि सेटिंग कैसे होता है। लेकिन जो भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपने भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी, मेरा आशीर्वाद रहेगा। तो ठीक, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके सामने एक बिहार पुलिस के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस वर्कबुक आया है। कौन? किरण पब्लिकेशन का, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसे ले लीजिएगा क्योंकि मार्केट का सबसे बेस्ट बुक है। ये बुक मेरे पास भी, हम भी इसे देख चुके हैं और ये मार्केट का सबसे बेस्ट बुक है। चलिए अब हम बात करने चल रहे हैं बिहार पुलिस के परीक्षा में सेटिंग कैसे होता है। बिहार पुलिस का नाम सुनते ही आपके मन में प्रश्न चलने लगता है कि सेटिंग से ही जॉब होगा। ठीक, ये जितना भी दुविधा है आपको दूर कर देंगे इस वीडियो में। देखिए, सेटिंग आपका 3 तरह से होता है। कितने लोग सुने भी होंगे, कितने लोग नहीं भी सुने होंगे। पहला जो सेटिंग होता है वो पेपर लीक होता है। क्या होता है? पेपर लीक होता है। क्या होता है कि पेपर लीक करके कि कोई कोई 50,000-25,000 में उस पेपर को आपके व्हाट्सएप पर भेजकर एग्जाम से 25 से 30 मिनट पहले याद कराया जाता है। वो बच्चा जाकर फिर एग्जाम हॉल में बनाता है। पहला सेटिंग इस तरह से होता है, सेटर इस तरह से काम करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर 100 बच्चा सेटिंग कराए हैं तो लगभग 4 से ही 5 बच्चा सफल होता है, क्योंकि ये भी जो पेपर लीक वाला जो सिस्टम है व्हाट्सएप पर आता है वो भी सफल नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जो उतना प्रेशर के टाइम में 15 से 20 मिनट पहले 100 में से आपके पास 50 से 55 ही क्वेश्चन आ पाता है और उसको याद कर पाना। इसलिए ये जो पहला सेटिंग आप कराते हैं पेपर लीक यानी क्वेश्चन खरीदने वाला, व्हाट्सएप मंगाने वाला, वो भी आपका असफल हो जाता है। दूसरा जो सिस्टम होता है, सुने होंगे ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के द्वारा होता है। बच्चा सब क्या करता है, यहाँ कांख में या कहीं पर ब्लूटूथ बांध लेता है और एक छोटा सा माइक आता है उसे कान में लगाकर वायरलेस के द्वारा वहाँ से सेटर एग्जाम हॉल में बोलता है और वो क्वेश्चन बनाता है। लेकिन अगर एग्जाम हॉल के पास जेवर लगा दिया गया तो ये भी आपका सेटिंग गलत हो जाता है। ध्यान है, पहला सेटिंग पेपर लीक व्हाट्सएप पर मंगा कर किया जाता है, दूसरा ब्लूटूथ वाला होता है, ये भी गलत हो जाता है। देखिए, इसमें आपका 1 से 2% चांस है सफल होने का। इसमें 0.5% चांस है कि आप अगर सेटिंग कराते हैं तो सफल होइएगा। और तीसरा जो सेटिंग होता है वो सेंटर मैनेज। क्या होता है? एग्जाम सेंटर मैनेज कराया जाता है। कितना लोग बोलता है कि OMR ही मेरा रंग आ जाएगा, खाली छोड़ कर आ जाता है। एग्जाम सेंटर मैनेज जो कि सबसे टॉप होता है, इसमें 0.2% ही चांस है अगर आप सेटिंग कराए हैं तो सफल होइएगा। क्योंकि ये आपको एग्जाम सेंटर, मान लीजिए आप हैं चंपारण यानी मोतिहारी जिला से और आपका एग्जाम सेंटर पर गया छपरा जिला, तो छपरा जिला में एग्जाम सेंटर पर अगर उतने बड़े पकड़ है तभी आप सेंटर मैनेज करा सकते हैं, नहीं तो नहीं करा सकते हैं और ये भी सफल नहीं हो पाता है। इसलिए समझ चुके हैं कि 3 तरह से सेटिंग होता है। इस तीनों तरह के सेटिंग के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि बिहार पुलिस का कट ऑफ 60 से 65 के बीच में ही रहता है और 60 से 65 नंबर आप अपने दम पर आसानी से ला सकते हैं। और ये तीनों सेटिंग बहुत खतरनाक होता है। एक बार पैसा डूबने के बाद आपके पास दोबारा हिम्मत नहीं आएगा फिर से सेटिंग कराने का, क्योंकि सफल होने का इसमें चांस मात्र 1 से 2% है और ज़्यादा लोग असफल ही होते हैं सेटिंग कराने में। इसलिए सेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। और ये 3 तरह से जो सेटिंग होता है इसके बारे में पूरे डिटेल से बता चुके हैं और 60 से 65 नंबर लाने का हम रामबाण तरीका आपको बताने जा रहे हैं अगले वीडियो में। इसलिए आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा और ये सब सेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि एक बार बर्बाद होने के बाद फिर से आप कभी बिहार पुलिस के एग्जाम यानी किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। ये था बिहार पुलिस का सेटिंग से संबंधित बात। अगर किसी भी तरह का प्रश्न आपके मन में चल रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। और दूसरा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर लॉन्च कर चुके हैं,
आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी तरह का प्रश्न है तो व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों के पास फैलाइए कि सेटिंग करना असफल है। तैयारी कीजिए, अपने दम पर 60 से 65 नंबर आसानी से ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।